अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ग्राम पुनर्वास में जो आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, यहाँ पे लोग बाहर के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास इन लोगों का किसी भी प्रकार का, जब आप हमारे पास कागज़ लेके आते हैं उस समय रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इसके अलावा हमको इस पे कहाँ कौन व्यक्ति कहाँ से बस रहा है, ऐसा कोई अभी हमारे पास ऑथेंटिक NHDC के द्वारा दिया गया कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ना NHDC ने हमको बताया कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, तो हम उस हिसाब से इस पर कार्यवाही करें। अपने NHDC के पास गए थे लेकिन NHDC के अधिकारियों ने फाइल लेके रख ली और उसके बाद उस पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की आज दिनांक तक। में हमारे द्वारा तहसीलदार को इस विषय में अवगत कराया गया था और एक ग्राम पंचायत से लेटर भी दिया गया था, उस पर आश्वासन दिया गया था कि हम इस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। कुछ दिनों से लोगों के द्वारा शिकायत भी लगातार की जा रही है। हमने राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी, दो तीन हल्का पटवारी को मिलाकर एक दल गठित कर दिया गया है जिसमें बेयर हाउस के पीछे हनुमान मंदिर और यात्री प्रतीक्षालय और जो रोड के आसपास जो भी अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण हो चुके हैं या किए जा रहे हैं उनकी जांच कराकर, हम विधिवत जांच कराकर धारा 248 के तहत कार्रवाई करेंगे।